केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का कांगड़ा जिले के देहरा पहुंचने पर पूर्व सिंचाई मंत्री रविंदर सिंह रवि और देहरा भाजपा समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर जल्द ही एक बड़ी घोषणा की जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मॉडल बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 20 दिन के अंदर एजेंसी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। 350 से 400 करोड़ रुपए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उस पर काम शुरू हो सके। अनुराग ठाकुर ने इससे पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घेड़ मानगढ़ में पौधारोपण किया। उसके बाद देहरा के आईपीएच रेस्ट हाउस के समीप जनता के कार्यक्रम में शिरकत की व लोगों की समस्याओं को भी सुना। अनुराग ठाकुर ने आगे पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। धारा 370 और 35 से हटाना देश हित में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार वहां की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर पर बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि अब पीओके को लेकर पाकिस्तान ज़्यादा परेशान है, लेकिन पीओके जम्मू कश्मीर की उस टेरिटरी का हिस्सा है जो तत्कालीन राजा हरि सिंह के समय राजा का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर नेहरू की गलती को 70 साल बाद सुधारा है। क्या है हमारा प्रयास है कि अगले 15 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए और सितंबर महीने के अंत से पहले केंद्र में उसकी एक बैठक हो जाए ताकि पहले 350 से 400 करोड़ रुपया हम हिमाचल प्रदेश को दे सकें ताकि देर और धर्मशाला का काम शुरू हो। ऐसे नए प्रोजेक्ट भी आएंगे, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता है कि जो पहले के चल रहे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा किया जाए। जैसे नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन, उसके लिए प्रयास है कि अगले 1.5 साल के अंदर हिमाचल का सारा काम पूरा हो जाए। भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन की मैं 2 तारीख को मीटिंग लेने वाला हूँ, जिसका हमने काम शुरू कर दिया है ताकि उसको आगे और कैसे बढ़ा पाएं। 20 किलोमीटर तक की हमने जमीन अधिग्रहण करने का काम किया, उससे आगे का काम शुरू करवाने वाले हैं। कि पाकिस्तान को अब ये डर है कि जम्मू कश्मीर का तो जो 370 और 35 से हटाकर हमने हल निकाला है, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उसको लेकर वो ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि ये भी उस जम्मू कश्मीर की टेरिटरी का हिस्सा है जो महाराजा हरि सिंह के समय से जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। पाकिस्तान अगर अपने घर की समस्याओं से निजात नहीं पा पा रहा और उनकी सरकार एक तरह से विफल हुई है और जिस तरह की बेतुकी टिप्पणी और बयानबाजी उनके नेताओं के द्वारा से हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पूरी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और धारा 370 और 35 से हटाना ये हिंदुस्तान के हित में भी है और जम्मू कश्मीर क्योंकि हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है तो उसको भी उसका लाभ मिलेगा। पाकिस्तान का इस पर टिप्पणी करना, और पिछले कुछ दिनों से मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ की सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।